सब्सक्राइब कीजिए गार्डनिंग लवर विद आकाश चैनल को और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए मेरी गार्डनिंग वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश। मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपने गार्डनिंग लवर विद आकाश चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं, ये फल वाला पौधा रखा हुआ है। आज हम लोग इसी पौधे के ऊपर बात करेंगे। देखिए, इसमें कुछ फल भी लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस ऑर्नामेंटल प्लांट के ऊपर कर ली। ऐसे प्लांट के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली जो घर को सजाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ वीडियोस वेजिटेबल प्लांट और फ्रूटिंग प्लांट को बात करूँगी, यानी फलदार पौधे और सब्जियों वाले पौधे के ऊपर बात करेंगे। हम लोग कौन कौन सी सब्जियाँ और फल गमले में इजिली उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अपने सामने देख सकते हैं, ये गुआवा का प्लांट रखा हुआ है। ये ड्राफ्ट वेराइटी का गुआवा है। इसमें काफ़ी छोटे छोटे फल आते हैं और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं फल। तो आज हम लोग इसी गुआवा प्लांट को बात करेंगे, इस गुआवा प्लांट की केयर के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़रूर ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए, अब इस गुआवा प्लांट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं गुआवा प्लांट के सॉइल के ऊपर बात करना चाहूँगी। ये ड्राफ्ट वेराइटी को किस तरह की सॉइल देनी चाहिए, उसको किस तरह का सॉइल मीडिया पसंद आता है। तो इसको हम लोगों को वेल ड्रेन सॉइल देनी चाहिए। हम लोगों को 50% इसमें हम लोगों को नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी चाहिए, 30% सैंड लेनी चाहिए और 20% काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लीजिए। फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, फर्टिलाइज़र काफ़ी हीट करता है, इस वजह से प्लांट ख़राब हो जाता है या जो भी फ्रूट जैसे उस पर आते रहते हैं तो फ्रूट या फ्लावर आते रहते हैं वो जल जाते हैं या सूख जाते हैं, पत्तियाँ काफ़ी सारी जल के ख़राब होने लगती हैं। तो मैंने जब इसको लगाया था तो इस पर मैंने बहुत ही हल्का सा काउडंग फर्टिलाइज़र दिया था। जब मैंने देखे इस पर काफ़ी इस समय फ्रूट लगे हुए हैं, एक फ्रूट यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें दो तीन फ्रूट और लगे हुए हैं। ये देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर एक फ्रूट है, एक फ्रूट यहाँ पर है। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, होपफुली ये अभी जो इसमें फल लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे से पक भी जाएंगे और खाने में भी हम लोग को मिलेंगे। तो मैं इसकी सॉइल के ऊपर बात कर रहा था। मैंने 30% हम लोगों को सैंड लेनी, 50% हम लोगों को मिट्टी लेनी है, नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है और 20% वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट लेके इसको अच्छे से मिक्स कर देना और ड्रेनेज होल को अच्छे से एकदम इसमें काफ़ी सारे हमने दे हम लोग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत लोगों को देखा ड्रेनेज होल पर सिर्फ एक छोटा सा लोग ड्रेनेज होल रखते हैं। कोशिश किया करें कम से कम दो बड़े बड़े ड्रेनेज होल होने चाहिए बेस पे, ताकि जितना भी एक्सेस में वाटर हो सारा वाटर ड्रेन हो जाए। अगर वाटर अच्छे से ड्रेन नहीं होगा तो प्लांट ख़राब होने लगेगा, उसकी रूट्स ख़राब होने लगती हैं। और ड्रेनेज होल को अच्छे से उसके ऊपर छोटे छोटे बारीक पत्थर के टुकड़े या ईंटे के टुकड़े रख देने चाहिए ताकि ब्लॉकेज बिल्कुल भी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी सॉइल के ऊपर बात। मैंने सॉइल बता दी आप लोगों को इसको किस तरह की सॉइल देनी है, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल देनी है, सैंड मिलाना हम लोगों को अच्छे सैंड मिलाने से ही वेल ड्रेन होगी सॉइल। तो चलिए, अब बात करते हैं इसको किस तरह के स्पॉट में रखना है। तो जैसे कि हम लोगों को पता होगा कि गुआवा प्लांट या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट को, ज़्यादातर फ्रूटिंग प्लांट को फुल सन पसंद आता है। आप जितना ज़्यादा उनको सन पे रखेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन वो जो पॉट में हम लोग प्लांट लगाते हैं उनको परमानेंट फुल सन में नहीं रखना है। परमानेंट फुल सन में रखेंगे तो हम लोगों का पॉट भी गर्म हो जाता है और सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है और ड्राई हो जाता है, उससे क्या होता है हम लोगों का प्लांट डैमेज होने लगता है। तो कोशिश हम लोगों को ये करनी है, या तो हम लोगों के प्लांट के ऊपर मॉर्निंग की सनलाइट लगे या तो शाम टाइम की इवनिंग की सनलाइट लगे। नून टाइम की जो खड़ी धूप होती है, आफ्टरनून टाइम की, वो धूप हम लोगों के प्लांट के ऊपर दोपहर की धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। उससे क्या होगा, लीव्स इसकी जलने लगती है। जैसे कि मैं इस दीवार के कोने पर रखता हूँ, जैसे कि आपको बेस पर दिख रही होगी दीवार, उस साइड रखता हूँ तो उसमें मॉर्निंग का सनलाइट लगती है 11-12 बजे तक की। फिर उसके बाद यहाँ पर सारी प्लांट के ऊपर शेड रहती है, तभी देखिए प्लांट एकदम हरा भरा आपको दिख रहा होगा। तो अब ये रही इसके स्पॉट के ऊपर, मैंने बताया आप लोगों को इसको डायरेक्ट सन में नहीं रखना है। तो चलिए, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसको फर्टिलाइज़र मैंने आप लोग को पहले बता दिया, और उसके बाद में जैसे कि आप कुछ समय बाद तो हम लोगों ने सॉइल में मिक्स करके फर्टिलाइज़र लगा दिया, डाल दिया। अब जब हम लोग कभी इसमें बाद में एडिशनल फर्टिलाइज़र देना हो, जैसे फ्लावरिंग टाइम पे या फ्रूटिंग टाइम पे इसको एडिशनल फर्टिलाइज़र देना, तो कैसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि ये सॉइल है, सॉइल को कम से कम 2 इंच तक हम लोगों को उसको अच्छे से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद उसमें अच्छे से
तीन चार चम्मच उसमें काउडंग मिला सकते हैं। अगर आपका 10 इंच का पॉट है तो 3-4 चम्मच सफिशेंट होगा काउडंग हर 15 दिन के लिए। अगर आपका 14 इंच या 12 इंच का पॉट है तो आप 10 चम्मच के लगभग उसमें काउडंग मिला सकते हैं। अच्छे से गुड़ाई करके उसमें अच्छे से मिला दीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहता है ऑर्गेनिक। हम लोगों को फ्रूटिंग प्लांट के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र फ्रूटिंग प्लांट और वेजिटेबल प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है और जो फ्रूट का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वजह से। तो फ्रेंड्स ये रही इसके ऊपर फर्टिलाइज़र को बात। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जैसे कि इसमें जब भी इसमें फ्रूटिंग के लिए फ्लावरिंग, पहले तो जब भी फ्रूटिंग होती है तो पहले फ्लावरिंग होगी। जब भी किसी भी प्लांट में अगर फ्लावरिंग हो रही है तो हम लोगों को उसमें वाटरिंग कम कर देनी चाहिए। वाटर एकदम मैक्सिमम बहुत ही मतलब आराम से देना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर एकदम भर के नहीं देना चाहिए। पानी की वजह से ज़्यादा पानी हो जाता है, फिर पानी के फ्लो की वजह से वो फ्लावर झड़ने लगता है। इस वजह से हम लोगों को बताया जाता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी इसमें किसी भी प्लांट में जब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही हो तो उस समय उसको पानी थोड़ा कम देना चाहिए। उससे क्या होता है फ्लावर टूटता नहीं और फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गए, तो इसको आप इस समय खूब अच्छे से पानी देना चाहिए ताकि फ्रूट के डेवलपमेंट खूब अच्छे से हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके पेस्ट के ऊपर। इसके ऊपर कोई भी पेस्ट अटैक करता नहीं है, ये एवरग्रीन प्लांट होता है, इसके ऊपर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करता। बस टाइमली इसको वॉश करते रहिए और नॉर्मल जो हम लोग अपने प्लांट को ऊपर कीटनाशक इस्तेमाल करते रहते हैं वही सब कीटनाशक हम पर टाइमली छिड़क देना चाहिए सारे प्लांट के ऊपर हर 15 से 20 दिन के गैप के ऊपर। जो कोई भी छोटा मोटा अगर इंसेक्ट होता भी है तो वो भाग जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही इस ड्राफ्ट वेराइटी के गुआवा की कंप्लीट केयर, कि उसको किस तरह केयर करनी है, उसको किस तरह का सॉइल मीडिया देना है, किस तरह का स्पॉट पर लगाना है, कैसे उसको फर्टिलाइज़र करना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी ये इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय टाटा, मैं नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ आपको किसी अनदर वीडियो के साथ किसी न्यू इन्फॉर्मेशन से। ओके फ्रेंड्स बाय टाटा, कीप वॉचिंग माई वीडियो।